मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल और ये है हानायामा द लेजेंड ऑफ इनविंसिबल फिस्ट का एपिसोड 7। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम रियूजी को देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, हानायामा भी हंस रहा होता है। ये सब देखकर वो जो है एकदम जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि आखिरकार इसने काम कर दिया, अब मैं पहले जैसा हो गया, मेरा दर्द चला गया। ये सब वो कहकर बहुत ज्यादा खुश हो ही रहा होता है, तभी अचानक से हानायामा जो है अपना चश्मा संभालते हुए बिल्कुल टिकटॉकर वाले स्टाइल में चलकर उसकी तरफ जाने लगता है। रियूजी जो है हानायामा को अपनी तरफ आता देख बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो भी एकदम दौड़ता हुआ हानायामा की ओर बढ़ने लगता है। एकदम गदागद गदागद अपने भारी कदमों से वो दौड़ते हुए हानायामा की ओर जाने ही लगता है और तभी हमें पता चलता है कि वो तो कहीं और चला गया और हानायामा भी उसकी तरफ नहीं बल्कि उस लड़के की तरफ बढ़ रहा है जो कि रियूजी को उसके पास लाया था। वो उस लड़के के पास जाकर खड़ा होता ही है। हानायामा उसके पास जाके अपने कोट में हाथ डालता है, ये देखकर उस लड़की की फट के हाथ में आ जाती है। वो सोचता है कि जरूर ये चाकू या गन निकालकर मुझे आज मार डालेगा, लेकिन तभी हानायामा एक कार्ड निकालकर ऐसे टॉस कर देता है। वो कार्ड जो है सीधा जाकर उस लड़के के दांतों के बीच जाकर फंस जाता है और इसके बाद वो सच में बिल्कुल कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि हानायामा आखिरकार करना क्या चाहता है। लेकिन तभी हानायामा उससे कहता है कि जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें कॉन्टेक्ट करूंगा, तो इसीलिए कॉन्टेक्ट में रहना। लड़का जैसे ही कार्ड को मुंह से निकाल कर देखता है उसे पता चलता है कि ये तो हानायामा के ग्रुप का ऑफिशियल कार्ड है जो कि हर एक मेंबर के पास होता है, यानी कि अब वो हानायामा के ग्रुप का ऑफिशियल मेंबर बन चुका है। तभी अचानक से रियूजी जो है एकदम दौड़ता हुआ हानायामा की ओर आने लगता है। वो जैसे ही हानायामा की ओर पहुंचता है वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, और ऐसा कहकर वो अपने हाथ को खोलता है तो हमें पता चलता है कि उसमें कुछ कीड़े वगैरह रखे हुए हैं। खैर इसके बाद हानायामा उससे कहता है फिर मिलेंगे और शाबाशी देता हुआ वहाँ से चला जाता है और वो लड़का जो होता है ये सब देखकर एकदम भावुक हो जाता है। खैर इन सब के बाद यहाँ पर चैप्टर और सीन बदल जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि हानायामा जो है एक बोट में बहुत सारे लोगों के साथ फिशिंग करने आया होता है। यहाँ पर सब बहुत चिल कर रहे होते हैं, बकायदा कैन वैन पी रहे होते हैं और हानायामा जो होता है अपना कैन बढ़िया से पीता है और उस कैन को लेकर ताकत दिखाना शुरू कर देता है। वो एकदम मसल देता है उस कैन को, एकदम गोल लड्डू सा बना देता है और एक जगह रख देता है। ये सब देखकर वहाँ पर सभी लोग चौंक जाते हैं। यहाँ पर माहौल जो है काफी अच्छा हो गया होता है, सब लोग बढ़िया से फिशिंग कर ही रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि हानायामा के रॉड में एक अच्छी सी मछली फंस गई है। इसके बाद नॉर्मली हानायामा जैसे कि हमेशा से करता आया है अपने बाहुबल का प्रयोग करते हुए खींचने लगता है मछली को और वो सच में काफी अच्छे साइज की होती है। हानायामा जो है यहाँ पर बढ़िया से और चारा फंसा कर फेंकता ही है, तभी हमें पता चलता है कि उसका जो हुक है नीचे कहीं जाकर फंस गया है। यहाँ पर बोट का मालिक जो होता है हानायामा से कहने लगता है कि ये तो अब किसी स्कूबा डाइवर का ही काम है, वही जाकर उस हुक को निकाल सकता है, पता नहीं कहाँ जाकर वो फंसा होगा। खैर इतना वो बोल ही रहा होता है तभी हम देखते हैं वो लोग अचानक से चौंक जाते हैं। अचानक से हम देखते हैं कि हानायामा जो है अपने कपड़े वगैरह उतार कर खड़ा हो गया होता है नीचे जाने के लिए और हुक को निकालने के लिए। अरे यहाँ पर बात हो ही रही होती है तभी अचानक से हानायामा बाम से कूद जाता है पानी में और एकदम तैरता हुआ बढ़िया से नीचे जाने लगता है। इतना अच्छी बॉडी होने के बावजूद, इतना भारी शरीर होने के बावजूद वो काफी अच्छे से तैर रहा होता है, ये खुद भी देखकर वो बोट का जो मालिक होता है चौंक गया होता है। हानायामा एकदम तेजी से तैरते हुए जाने लगता है हुक को निकालने के लिए, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई होती है। लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी बोट का मालिक नोटिस करता है कि यहाँ पर कुछ मछलियाँ जो है एकदम कूद फांद रही हैं, एकदम हड़बड़ा रही हैं। इसका मतलब आसपास शार्क्स आ गई हैं। वहीं नीचे हम देखते हैं कि हानायामा हुक को निकाल देता है और बढ़िया से हुक को निकालने के बाद वो अच्छी तरह से एकदम बैठ जाता है वहाँ पर और अपने पैरों का सहारा लेते हुए एकदम अच्छी तरह से तैरते हुए ऊपर की ओर आने लगता है। वो लोग उसे आते देख भी लेते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ी शार्क जो होती है हानायामा के पास आ जाती है। वो हानायामा के पीछे पड़ जाती है और यहाँ पर एल लग जाते हैं, आपको पता है किसके। और इसी एल लगने के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको अगर पता करना है कि किसके एल लगे हैं तो इसीलिए आगे का एपिसोड का वेट कीजिए जो कि यही आने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।